एक गाना था, ऐ भारत माँ तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आए हैं, जो भी है अपने पास बची वो सांस चढ़ाने आए हैं। जी हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर अपने देश के गौरव और देश के सैनिकों के बीच में, पूर्व सैनिकों के बीच में। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी देश को सेवा में गुजार दी। उसके बाद भी इन्होंने सोचा कि कुछ सुकून के पल अपने घर पे गुजरेंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो लड़ाई इन्हें बॉर्डर पर लड़नी पड़ रही है, वही लड़ाई इन्हें आज अपने घर के अंदर भी लड़नी पड़ेगी। इस किसान आंदोलन में सहयोग करते हुए इन सैनिकों को लगभग 90 दिन हो गए। आइए पूछते हैं कि 90 दिनों में इन सैनिकों ने क्या महसूस किया, क्या कुछ बदलाव महसूस किया, या ये इन्होंने महसूस किया कि सरकार इनकी बात मानेगी या नहीं मानेगी। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सत्यप्रकाश यादव, एक्स एयरफोर्स। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली तो खैर मेरठ से हूँ, पर गाजियाबाद में रह रहा हूँ अब। जी, अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि 90 दिन पहले जब यहाँ किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी कि हमारे ये तीनों काले कानून वापस होने चाहिए, MSP पे गारंटी होनी चाहिए, और 90 दिन होने के बाद भी यही मांगे, तो इन 90 दिनों का सफ़र कैसा रहा? एक्चुअल में 90 दिनों में क्या था कि ऐसी उम्मीद नहीं थी सरकार से कि ये किसान जो मेन रीढ़ है देश की, आप ये लगा लो कि पहले तो 80% जो किसान थे, चाहे वो जवान हो या किसान हो या पुलिस फोर्सेज हो, वो सारा किसान का ही खून है। और ये उम्मीद नहीं थी कि किसानों ने या पश्चिम इस एरिए ने जिसे चुन के भेजा था कि हमारे साथ ऐसा करेंगे, क्योंकि बेसिकली एज ऑन टूडे भी मैं किसान हूँ। बीच में भले ही मैं एयरफोर्स में रहा, पहले भी किसान था और आज भी किसान हूँ। तो ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतना अन्याय करेगी जैसा अब कर रही है, जैसे एक पर्सनल ईगो बना लिया उसने, क्योंकि ये देश हमारा है कि विदेशी तो है नहीं, और उसमें भी जो आज है उसके बावजूद भी जो किसान है, किसानों का ही खून यहाँ है, चाहे हम हो, चाहे पुलिस फोर्सेज हो और चाहे किसान हो, ये एक ही खून है। उनका खून नहीं है जो दोगले हैं, जो है माफ़ी मांग रहे थे जब देश लड़ रहा था, और वो माफ़ी मांग रहे थे, पेंशन ले लेते, जिसका नाम ये वीर सावरकर रखते हैं, वो देश नहीं है। ये वो छोटे छोटे गरीब आदमियों का देश है। ये लाल बहादुर शास्त्री ने जो है 62-65 की लड़ाई में बोल दिया था कि हम भूखे रह लेंगे, हम मांगे नहीं, नहीं। और आज के दिन हम हर चीज़ भारत से आयात कर रहे हैं। अब जैसा आज के टाइम में पेट्रोल वाली बात चल रही है, जबकि पहले इतना निर्यात नहीं था जो आज के दिन निर्यात है। और एक तरफ बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत, क्या तुमने 1600 करोड़ के जो जहाज खरीदे मोदी जी ने, क्या हमारे पास जहाज नहीं थे चलने के लिए? वो क्यों फिर बाहर से खरीदे? वो भी इंडिया में ही लगते, इंडिया का कम से कम पैसा इंडिया का इंडिया में ही तो रहता, या हमारे लोगों को जॉब मिलता। दूसरा ये बताइए कि क्या देश में जहाज नहीं थे मोदी जी के लिए स्पेशल चाहिए? लाल बहादुर शास्त्री जी ने धोती कुर्ता में राज किया था, और उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी वो सीना ठोक के रहते थे। और ये क्या है, चुपचाप चले जाएंगे पाकिस्तान, बिरयानी खा के आ जाएंगे। अब उसको उनको अंधभक्तों को दर्द होता है अगर ये बात आती है। उसके बाद ये चले जाएंगे जिनपिंग को झूला झुलाएंगे, इनको दर्द होता है। ये ट्रंप को लेकर झूला झुलाएंगे, सारा कोरोना ट्रंप का फैलाया हुआ है, अब इनको दर्द होता है। तो कहने का मतलब, हमें कोई ईगो नहीं है या कोई दुश्मनी नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है, पर इन्होंने जो इतने अंदर अहंकार इनके अंदर भरा हुआ है, क्योंकि बेसिकली वो एक है ना, जो एकदम आदमी को मिल गई कुर्सी या बाइलक या भगवान से मिल गई, पर उसका जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अब वो बंगाल तो चले जाएंगे 100 मंत्री, बिहार तो चले जाएंगे 100 मंत्री, 30 हेलीकॉप्टर लेके, और यहाँ तक बोलते हैं काल की दूरी है। ये डायलॉग मारते मारते इनको 7 साल हो गए, इन डायलॉगों को, इस देश को जो है इन्होंने गिरवी रख दिया। क्या उस जिसकी ये बात करते हैं, क्या उस देश ने नहीं बनाया? क्या इनके जहाज जो है जिस आज राइफल की बात कर रहे हैं, वो किसने रनवे बनाया, किस पे लैंड करता है? अब से पहले का सुखोई नहीं थे, मिराज नहीं थे जो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आया? इनको पता है, इनको सुखाई का उसका डेफिनेशन का भी नहीं पता होगा 2-3 आदमियों को। चलिए एयर स्ट्राइक की बात करते हैं कि अभी एयर स्ट्राइक पे एक सवाल आता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्राइक हुई नहीं, तो आपसे बेहतर कौन जानेगा स्ट्राइक हुई है नहीं हुई? नहीं, एयर स्ट्राइक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको डिनाई कर रही है, ये तो अंधे भक्त उसको डिनाई कर रहे हैं। 300 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए थे? नहीं, ये तो मैं काउंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसमें प्रेजेंट नहीं, ना मेरे पास कोई रिकॉर्ड है, क्योंकि उस चीज़ को मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकता। पर एज ए होल स्ट्राइक हुई है, पर ये जो है ना, ये हर चीज़ को मोदी जी का बना लेते हैं। अरे मोदी हो या राहुल हो या और हो, ये तो आते जाते रहेंगे, देश हमारा है, सबका देश है, सब ने देश ने इनको चुन के भेजा, ये साथ ये सोचे ट्रंप की तरह कि अब तुम नहीं जाओगे क्योंकि इनके पास थोड़ी EVM है। वो भी भगवान ऊपर वाला जो है ना, वो एक है,
अब तू यहाँ का बॉर्डर का देखिए, यहाँ क्या मिनी भारत नहीं है? या हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब मिल के खा रहे हैं। कभी इन्होंने कवरेज दिखाई है आपको? कवरेज अगर हमारे चार बॉर्डरों की दिखा दे, ये असली मिनी भारत है जो आज है। एक हमारे देश का स्लोगन रहा है जय जवान जय किसान, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जवान और किसान आमने सामने, इधर बाप चाचा आंदोलन कर रहे हैं और उन्हीं का खून, उन्हीं की औलाद उन आंदोलन को रोकने के लिए लेकर आपके सामने खड़े हुए हैं, तो ये क्या कहेंगे इसके बारे में बताएं जी? ये देखो, वो अपना फर्ज है, उनकी ड्यूटी है, वो खड़े हैं, लेकिन दिल से वो हमारे साथ में है। सरकार को ये बैम नहीं होना चाहिए इस चीज़ का कि नेता बाप बेटे को लड़ा देंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा ये। लेकिन अगर अभी तक ऐसा ही हुआ है, अब देखो सिंधु बॉर्डर पे हिंसात्मक मामला हुआ, लाल किले पे हिंसात्मक मामला हुआ, आमने सामने लोग आए हैं, तो क्या ये सरकार की नीति है कि बाप बेटों को आपस में लड़ा दिया? बिल्कुल, सरकार इस सरकार की नीति तो शुरू से ये ही रही है कि समाज को बांट दो, उसके बाद में राज करो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ इस आंदोलन के अंदर हमने पूरे समाज को एकजुट कर लिया है, और अभी प्रधानमंत्री जी जो संसद में बैठे हैं ना, वो खाली झुंझुना बजाएंगे, अभी हम उनके पास में कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे ऐसा कि वो ऑर्डर जारी करें। अब प्रधानमंत्री जी कान खोल के सुन लो, अब तक तो हम आते रहे आपके पास, अभी अगर तुम्हारे MLA सांसदों को, मिनिस्टरों को अगर गांव के सरपंचों के पैरों में लेटते हुए नहीं दिखाया ना, तो हम भी जवान किसान नहीं है, तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे, अब तुम्हारी अकल ठिकाने भी लगेगी। और जितना तुमने अभी तक किया है, कितनी यात्राएं की हैं, क्या क्या तुमने कहाँ कहाँ खाया पिया है, जो जनता के पैसे को चुना लगाया है, वो सारा का सारा एक एक रुपये का हिसाब किताब लेने के लिए हमने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, और तुम्हारा हिसाब होगा कहाँ पे। अब आने वाले टाइम में कोई भी कानून कानून जो कुछ भी बनेगा, वो कानून बनेगा तो संसद में ही, लेकिन गांव की पंचायत, खाप पंचायतें उसका फाइनल डिसीजन लेंगी, तभी होगा। अच्छा, खाप पंचायत पे एक सवाल आता है कि संजीव बालियान खाप पंचायत से मिल रहे हैं और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि 50% लोग जो खाप पंचायत के वो राकेश टिकैत के विरोध हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो उसको ऐसे भगाया है, उसको जान बचानी मुश्किल होगी है। वहाँ के लोगों से आप पता करो, नहीं घुस सकते सर। अभी हम जो भी ये नेता है ना, नेता कितने हैं? 500 ही हैं, 303 सांसद हैं इनके पास में, उसके बाद टोटल 10,000 ये आप लगा के चलो। ये लोग अगर पूरे 80% जवान किसान के साथ में अगर खड़े नहीं होंगे, तो इनका ऐसा बायकॉट किया जाएगा, ये अपने गांव में क्या, ये भारत में नहीं रह सकेंगे ये, और भारत से भागने भी नहीं दिया जाएगा, भागने भी नहीं देंगे हम इनको। अगर ये चाहते हैं कि हम भाग जाएंगे, अभी नहीं भाग सकते, कोई भी सांसद, मंत्री, नेता मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं भाग सकता। ये जो दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, दाढ़ी बढ़ाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनता, ये सारे ड्रामेबाजी प्रधानमंत्री क्लियर कर दे कि तू सेवक है, चौकीदार है, या फिर तू क्या, अब दाढ़ी बढ़ा के क्या मैसेज देना चाह रहा है? ये ढकोसलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, कान पकड़ के मरोड़ा जाएगा, पूर्व सैनिक भी मैदान में हैं, हालत ख़राब कर देंगे प्रधानमंत्री की, सिखा देंगे अच्छी तरह कि कैसे देश चलता है, और साथ में जितने लुच्चे लफंगे और ये जो भगवा वस्त्र को आप खराब कर रहे हैं, ये भी एक बार क्लियर कर दें कि योगी जी वो सन्यासी हैं या राजनेता हैं? एक म्यान के अंदर दो तलवार नहीं हो सकती, योगी जी सुन लो कान खोल के, क्लियर करो। अगर आप सन्यासी हैं तो मठ में जाके घंटा बजाओ, अगर नेता हैं तो सही तरीके की राजनीति करो। गुंडागर्दी अगर करने की कोशिश की तो वहीं से विधानसभा से घसीट के निकाला जाएगा आपको, बुरे तरीके से, चेतावनी है ये पूर्व सैनिकों की। सबसे पहले तो अपना और अपनी जो ये संगठन, इसका परिचय दीजिए। मैं सुबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटर्स एसोसिएशन। लगभग 90 दिन से आप, हम भी देख रहे हैं कि लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं जिस दिन से आंदोलन है, 90 दिन से आप और आपका संगठन यहाँ डटा हुआ है। उससे पहले आपने बहुत सारे ऐसे बॉर्डरों पर लड़ाई भी लड़ी है, बहुत सारे बॉर्डरों का माहौल भी देखा है, तो आपके लिए बॉर्डर की लड़ाई आसान थी या आपने घर की लड़ाई आसान है? नहीं, बॉर्डर की लड़ाई इससे आसान है, उससे ज़्यादा कठिन लड़ाई ये है, क्योंकि यहाँ 3 महीना से हम बैठे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि अभी 3 साल और हम
टाइम लग जाएगा, भले यहाँ से उठते भी हैं। देखिए ये सीमित सिर्फ तीन कानून तक नहीं है, यदि तीनों कानून वापस भी ले लेते हैं तो भी जब तक देश से भ्रष्टाचार नहीं जाएगा तब तक ये देश में सुधार नहीं आएगा और देश एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बनेगा। तो हमने यह निर्णय लिया है, हमारा संगठन ने निर्णय लिया है कि हम देश से भ्रष्टाचार को ही खत्म करेंगे। और भ्रष्टाचार का जड़ कहाँ है, यहाँ राजनेताओं के से ही शुरू होता है। यदि ये सुधर जाए तो नीचे जो कर्मचारी हैं, नौकरी करने वाले हैं, वो तो एक बार एक को पनिशमेंट दिया जाएगा तो सब सुधरेगा। तो सबसे पहले इन्होंने देखिए, इन्हों अभी कदम कदम पर भ्रष्टाचार है, आप खुद देख रहे हैं कि ऐसा कोई कदम नहीं है जहाँ की भ्रष्टाचार नहीं है। तो हमने यह निर्णय लिया है कि पहले इनको सुधारेंगे। आप देखिए 60 साल तक कोई नौकरी करता है, ये बीएसएफ वाले हैं जो भी ये पूरी अपनी सर्विस 60 साल तक भी नौकरी करता रहे तो भी इसको पेंशन नहीं मिलता है, और ये सिर्फ पाँच दिन के लिए बैठ जाते हैं तो इनको पेंशन है, और वो भी एक एक पेंशन नहीं, दो दो तीन तीन जहाँ जहाँ पर भी बैठे हैं सारी पेंशन है। ये क्या जायज़ है क्या? तो पहले तो इनका पेंशन बंद करना है, दूसरा इनका तनख्वाह बंद करना है, सिर्फ इनको भत्ता ही दिया जाएगा जो भी रहे। क्यों, हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजेपी के ही खराब है, बीजेपी के थोड़ा जाते हैं, बाकी सारी पार्टियों में ये कमियाँ हैं और सारे एकजुट हो जाएंगे। मैं ये भी बता रहा हूँ कि जब इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी ना तो ये सारे चोर मौसियात भाई हो जाएंगे और सारे एक हो जाएंगे, क्योंकि किसी की भी कटेगी, लेकिन ये करना पड़ेगा, इनका पेंशन पेमेंट दोनों बंद कराना पड़ेगा। इसके बावजूद भी मैं एक साल से प्रधानमंत्री को एक लेटर भेजा था, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया और खलबली तो मची, उसमें भी मची थी, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी का जब पर्चा दाखिला होता है तो उसमें उसकी संपत्ति की ब्यौरा मांगा जाता है। उसी तौर पर मैंने बोला था कि 5 साल पूरा होने से पहले उसकी संपत्ति की जांच कराई जाए और जो ज़्यादा संपत्ति मिलता है उसको सरकारी संपत्ति उसके डबल में वसूल किया जाए और सरकारी संपत्ति घोषित किया जाए, उसको दंडित किया जाए, लेकिन अभी तक उन्होंने जवाब नहीं भेजा मेरे पास। 2014 में इलेक्शन टाइम पे बीजेपी का एजेंडा था और उनका स्लोगन था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन 7 सालों के अंदर देश की हर वो डिपार्टमेंट जिससे देश को इनकम होती है वो गिरमी रखा जा रहा है, बिका जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रिटायर्ड सूबेदार गरचरण सिंह, दरअसल जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, ये बिल्कुल मतलब एक ना कहनी और कथनी में इनका दिन रात का फर्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये जो पार्टी है इनका कोई विश्वास नहीं है, ना इनमें कोई दिमाग वाली बात चल रही है। जो 3 महीने से आंदोलन हो गया इधर, 2.5 महीना पंजाब से, 5.5 महीने हो गए रोड सड़कों से रेलवे लाइन से बैठे हैं। ये इतनी संवेदनहीन गवर्नमेंट है कि इसको दिखाई नहीं देते, जहाँ 225 के करीब डेथ केस हो गए हमारे, और ये अजे तक इन्होंने कभी भी अफसोस जाहिर नहीं किया। अच्छा, लगभग 225 किसान शहीद हुए हैं, लेकिन मोदी जी या सरकार का कोई भी प्रतिनिधि का कोई ट्वीट तक नहीं आया है, जबकि कोई भी कॉर्पोरेट जगत में छोटी छोटी घटना के लिए मोदी जी अफसोस जताते हैं, मोदी जी खुशी मनाते हैं, तो उसके बारे में जनता और आपको क्या महसूस हो रहा है? ये ऐसे जो प्रधानमंत्री है ना, ना तो इसका कोई परिवार है, ना इसने कोई बच्चा पाला है, ना इसने बिल्ली तक बच्चा पाला है, इसको क्या बता के ये जो जवानों की लाशें जहाँ इधर से जब बाहर से आती हैं तो जब दरवाजे में रखी जाती है तो परिवार का क्या हाल होता है? ये बिल्कुल प्रधानमंत्री संवेदनहीन है, इनको रोना आता ही नहीं, इसकी पार्लियामेंट में नकली रोन रोया है, 5 बार पानी पीते दिखाया और नकली रोना रोता है, इसको रोना आया ही नहीं, इसे ना कैसे रोते को चुप कराया शुरू से। जे प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, कैसा प्रधानमंत्री देखने को मिला? हमने नेहरू से लेकर के, नेहरू को 4 साल देखा, बाकी प्रधानमंत्री हमने कंप्लीट देखे। इतना संवेदनहीन, इतना विशर्म, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। एक खेतों किसानी के साथ वो इतना मतलब नजायज कर रहे, को साफ नहीं कह रहा कि MSP रहेगी, अभी भी है, आगे भी रहेगी, है ही नहीं, ना है थी, ना है, ना आगे रहेगी। जब तक MSP पे कानून नहीं बनाते, तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, हम जहाँ से डटे हैं घर जाने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं है, उनका हर कदम देश हित में है, तो कैसा देश हित में बताएं? एक नका कदम कोई 100 रुपया पेट्रोल हो गया देश में तो है, 90 रुपया डीजल हो गया देश हित में है। ये जो इनका गोदी मीडिया है, इसके हर एक काम को देश हित में बताता है। इन्होंने आधे से ज़्यादा 50% सुना है कि कार्बोरेट कराणों को इसने बेच दिए हैं, जो LIC जो बैंक हैं जो भी है, वो इनका तो व्यापारी किस्म के आदमी है, ये देश को संभालने वाले नहीं है, देश के साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आपने बड़ी अच्छी देशभक्ति का ही कविता कही थी, मैं कहना चाहूँ 2 लाइन में अपने परिचय के साथ जी। चार मैं मणिदेव चतुर्वेदी रिटायर्ड BSF बनारस से, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं किसी देवता के सर चढ़ उतराऊं, ऐ बनमाली मुझे तोड़ देना उस पथ पर फेंक, जिस पथ से होकर जाए वीर अनेक
और वीर किसान जा रहे हैं, देश का लोकतंत्र जा रहा है, इसी पे हम और किसान अपनी जान दे देंगे अंतिम सांस तक इसकी रक्षा के लिए। जी प्रश्न पूछिए। लगभग आपको 90 दिन यहाँ पर आंदोलन में बैठे हुए होंगे और तीनों कानूनों के खिलाफ लड़ते हुए होंगे, लेकिन अभी कुछ मीडिया चैनल पर दिखाया गया है कि यहाँ से लगभग 70% किसान जा चुके हैं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, तो क्या यहाँ से वास्तव में किसान जा चुके हैं? जी निश्चित उसी दिन फैसला हो गया था जब इन्होंने नकली किसान कहा, जब हमें खालिस्तानी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा पड़ा कि असली आंदोलनकारी असली किसान से बात किया, उन्हीं बातों के ऊपर इन्होंने 9-9 संशोधन कर डाला और जो है 1.5 साल बिल होल्ड करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, सब कुछ हो गया था। ये लड़ाई अब किसान आंदोलन लड़ाई नहीं है, ये जो जन आंदोलन बन चुका है, अब हर समस्याओं के ऊपर हिसाब लिया जाएगा, हर चीज़ों पर बात उठेगी। अब तो ये आंदोलन अगर हमें बिल वापस भी करा दे तो भी नहीं जाएंगे, हमें जब से भारत स्वतंत्र हुआ है और तब से लेकर अब तक का हिसाब चाहिए। अब हम सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं कि दोबारा एक दिन न देखना पड़े, तभी हम वापस जाएंगे। जी अभी राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर टेंट की सुविधा, एसी की सुविधा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोल दी हैं कि मतलब यहाँ पर मिलेंगी, तो क्या लगता है आंदोलन कब तक जाएगा? आंदोलन जब तक हम सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं कर लेते तब तक हम जाएंगे नहीं। पहली बात, सरकार पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार पे क्यों नहीं, मैंने कहा ना, फिर वही बात, उन्होंने कहा नकली किसान, उन्होंने कहा खालिस्तानी है, इसी किसानों से बात किया, पहली हार। दूसरी हार मैं देखता हूँ, उन्होंने कहा था 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1 इंच पीछे, इस सरकार का बयान था, और उन्होंने क्या किया, 9-9 संशोधन कर डाले हैं और 16 संशोधन के लिए तैयार है। तीसरी हार, चौथी हार, वो कह रहे हैं कि 1.5 साल के लिए बिल होल्ड पे लीजिए, मान जाइए। हम कह रहे हैं नहीं, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो हम तो लगातार जीत रहे, आपने किले लगाई, किले हटानी पड़ी, जीत हम रहे, नेट आपने छोड़ा, नेट बंद किया था आपने, सुरक्षा व्यवस्था छीनी थी। जो सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, ये रेडीमेड लोकतंत्र 1957 से है, जब से 52 से, और लोकतंत्र की लाश पर बैठा हुआ लोकतंत्र है। और निश्चित रूप से असत्य और अराजकता सफल तो हो सकती है लेकिन किसी भी समाज के लिए फलदायी नहीं हो सकती। देश की आपने देश के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी होंगी, देश के लिए आपने काफ़ी माहौल देखा होगा, गर्मा गर्मी का भी काफ़ी, लगभग मतलब आप गौरव हैं, देश के गौरव हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक इल्ज़ाम लगाया था, आप आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी हैं, तो ये इल्ज़ाम के बाद क्या महसूस करते हैं आप? दिल रोता है, जिस हम देश के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन के यौवन मैंने 31 साल सरहद पर सीमा सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बिताया, रोता है। उस 28 दिन मेरे मैं और टिकैत साहब दोनों रो रहे थे, मेरे वीडियो है, मैं इसलिए रो रहा था कि किस दिन के लिए, क्या ऐसी 8000 पुलिस खड़ी थी, DIG, DG, IG और वहाँ पे DM, ADM सब थे, 8000 पुलिस वाले उनके बीच, जब वहाँ का विधायक नंदकिशोर गुर्जर ललकारता हुआ आता है, पुलिस नहीं रोकते, कि तुम भी मारो हम भी मारेंगे, क्या इसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं अपने जीवन बिताए थे? क्या यही लोकतंत्र, जिस तरह से कानून का पन्ना फाड़ा जा रहा था, पन्ना फाड़ा जा, एक ट्वीट के ऊपर, आप जब होता था अमेरिका में संवेदना व्यक्त करते हैं, दंगा के बांग्लादेश में बर्मा होता है उस पर टिप्पणी करते हैं, यहाँ किसानों की लाश नहीं दिखी, पुलवामा शहीद के उनको कहा शहीद का दर्जा देंगे, उन विधवाओं के आंसू नहीं दिखे आपको? आपको आंदोलन जीवी जमाती परजीवी दिख गए, हम नाली के कीड़े हैं परजीवी, बता देगा उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान हो आँखें, निगहबान हो जवान और किसान, जमीन तुम्हारी है, धमक हमारी है, आगाज तुमने किया है, अंत हम करेंगे। अब किसान आंदोलन न रहकर जन जागरण, ये महाक्रांति आंदोलन है, एक एक चीज का हम व्यवस्था परिवर्तन करके तभी जाएंगे। जी नंदकिशोर गुर्जर ने, आपने कहा कि नंदकिशोर गुर्जर यहाँ पे आया था, लेकिन उस नंदकिशोर गुर्जर और उसके संगठन या उसके जो भी साथी हैं, उन्होंने कहा था कि एक भी वीडियो, एक भी कोई ऐसा क्लू हमारे पास, उनके पास हो, किसानों के पास, तो हमें दिखाइए, वो तो साफ लोग कह रहा कि वोटर पर आया नहीं था। जी उसके बाद उसका स्वयं का वीडियो लागू हुआ जो धमकी दे रहा था, कि उसका वीडियो मौजूद है, सभी देशवासी देखे उसके जो करा, उससे वीडियो बनी है, लेकिन फिर भी उसके बाद वो धमकी देता है कि मार के हटाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो क्या था, लेकिन झुकना पड़ेगा, उसी गुर्जर समाज ने उसको वहाँ जीना हराम कर दिया है, क्योंकि सत्य परेशान उसका पराजित नहीं, और वो हारेगा। जो इनके बड़ बोलेपन नेता कभी बर्ड फ्लू की बात करते हैं, कभी कुछ की बात करते हैं, किसी न्यायालय ने तो हमें खालिस्तान तो नहीं किया, इनके नेताओं ने कहा, कथित मीडिया ने कहा, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट सवाल करना चाहता हूँ, वो सूत्र बताए जिसके आधार पर कथित मीडिया ने हमें खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, पता नहीं क्या कहा। आखिर में तो मोदी जी भी उतर आए इस देश में, आप एक चोर 14 तारीख का 15 में न्यूज में आया दैनिक भास्कर में,
कि यहाँ का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा है वो कहते हैं कि पैसों से हमारे आदेशों को दबाया जाता है, और वहीं नहीं रुकते आगे कहते हैं कि ऐसी हालात में तो कोर्ट को बंद ही कर देना चाहिए, और नहीं रुकते हैं तो कहते हैं कि मन करता है कि देश को ही छोड़ दूं। तो कहाँ कहाँ न्यायपालिका है, कहाँ एजेंसियाँ हैं, सम्मान एनआईए का जांच अर्णब गोस्वामी को जा रहा है किसानों की तरफ, तो क्या यही लोकतंत्र है? निश्चित तो जिस प्रकार से विश्व मानवाधिकार आयोग यूनाइटेड नेशन संज्ञान मिले इनको डूब मरने वाली बात हो, मैं तो गुजारिश करता हूँ कि जो भी यूनाइटेड नेशन है इसमें संज्ञान लें और यहाँ लोकतंत्र की स्थापना करें, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ, आम जनता रोड पर पड़ी हुई है। लगभग बताया गया है कि 90 दिन 100 दिन धरना पूरा करने के बाद इसमें जो है यूएनओ में चला जाता है, यूएनओ या बाहर का कोई विदेश हस्तक्षेप कर सकता है। लगभग ये 10 दिन आपके हैं, कैसे कटेंगे 10 दिन आपके? 10 दिन क्या, 10 साल कट जाएंगे? लगता है सरकार आपको बैठने देगी? बिल्कुल बैठने देगी, ये हाँ हम हिलेंगे नहीं सरकार। 10 दिन तो बहुत, मैंने बताया ना कि 10 दिन के बाद 100 दिन के बाद ये मसला यूएनओ में जाने के चांस बन जाते हैं, तो 10 दिन तो आपके बहुत भारी कटेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल भारी नहीं कटेंगे। किसानों को क्या संदेश है? किसान और यहाँ आ जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी, जो अपने घर पे बैठे हैं बिल्कुल सारे यहाँ आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, इनका हिम्मत नहीं है कि दोबारा यहाँ अभी कदम भी रख दें। और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है, इतिहास गवाह है, लोक को कोई तंत्र नहीं रोक सकता, जन को कोई तंत्र नहीं रोक सकता, हमेशा लोक जीता है, जन जीता, तिरंगा कभी झुका है न झुकेगा, हिंदुस्तान न टूटा है न टूटेगा, यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती जानते हैं। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितरंग, ऐसे ऐसी हमारी सभ्यताएँ, अलग अलग बोलियाँ हैं, जाति धर्म है, कैसे आप एक सोच के तले बांध सकते हैं? और ये भारत हमेशा जीता है, दुर्योधन गया, कंस गया, रावण गया, मुगल गया, अंग्रेज गए, पूर्ववर्ती सरकारें गई, इनको भी जमी दोज होना ही पड़ेगा, इतिहास गवाह है। आपने देखा किसानों के साथ साथ सैनिकों का जोश, जो बॉर्डर पर था वही यहाँ पर है, वही किसान जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बॉर्डर पर देश की सेवा में गुजार दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में उन्हें अपने घर में ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जो किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन के लगभग 12 वार्ता होने के बाद भी सिर्फ सरकार ने संशोधन की बात करी है, लेकिन ये किसान और जवान यहाँ पर तीनों बिल वापस कराने के मूड में है। इनका कहना कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अपने सहयोगी नेहा मिश्रा के साथ मैं डॉक्टर खलील पवार, दिल्ली न्यूज़, गाजियाबाद।